पूरे 18 साल बाद बिहार को बीसीसीआई 2018 टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिला है। मौजूद है मोइन उल हक स्टेडियम में और यहाँ पे मुंबई वर्सेस बिहार का मैच हो रहा है और आपको हम व्यवस्था दिखाते हैं क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पे स्टेडियम पे। पहले आप पार्किंग का जगह देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पे पार्किंग दिया गया है। आज मैच है जिसको लेकर जो क्रिकेट प्रेमी है यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन व्यवस्था की बात करें तो पार्किंग में नहीं मिला है। और आपको हम जहाँ पे मैच हो रहा है बैठने की जगह की बात कर ले वो भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन पार्किंग की जगह की बात करें तो पार्किंग यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। और अगर आने की बात करें तो मेट्रो का काम चल रहा है जिसकी वजह से लोगों को आने में काफ़ी समस्या हो रही है। यहाँ पे इतनी बड़ी मैच होने वाली है हो रही है और ऊपर से इस तरह का चीज़ें सामने आ रही है। देखिए किस तरह का नज़ारा आपको दिख रहा है यहाँ पे कि किस तरह से काम चल रहा है यहाँ पे। मुंबई वर्सेस बिहार हो रहा है, 18 साल बाद बिहार को मौका मिला है गेम में खेलने को और इस तरह का मंजर सामने आ रहा है। चलिए आपको हम स्टेडियम के अंदर लेकर चलते हैं और आपको हम नज़ारा दिखाते हैं। क्रिकेट के बारे में तो आपको हम बताएंगे ही, लेकिन जो नज़ारा आपको देखने के लिए अंदर का स्टेडियम का मिलेगा वो अद्भुत रहेगा। देखिए किस तरह से, ऐसा एक तरह से माना जाएगा कि तबेले में हम लोग आ गए हैं। देखिए सोफे जो लगाए गए हुए हैं, आप देखिए किस तरह का है। और अंदर का नज़ारा जहाँ पे लोग बैठकर मैच का लुत्फ़ उठाएंगे, वहाँ का नज़ारा अगर हम बात करें तो देखिए किस तरह का मंजर सामने है। लोग खड़े होकर मैच देख रहे हैं और जहाँ बैठने की जगह है वहाँ पे देखिए किस तरह से घास फूस उगे हुए हैं और कहाँ बैठेंगे लोग। देखिए किस तरह से नज़ारा है यहाँ पे, लोग यहाँ पे मैच देखने आए हैं, काफ़ी एक्साइटेड हैं बिहारी जो मैच के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं उनके लिए। देखिए किस तरह से यहाँ पे मैच देख रहे हैं, ऊपर से भी खड़े होकर देख रहे हैं। और बैठने की व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था क्या है, व्यवस्था के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है। बिहारवासी और बिहारी का ये कहना रहता है कि हमें मौका मिलना चाहिए क्रिकेट में आगे बढ़ने का। यहाँ पे जो सरकार कहती है खेलकूद में आगे बढ़ने को, क्रिकेट में आगे बढ़ने को, वहाँ पे इस तरह का मंजर सामने देखने को मिलेगा तो लोग कम से कम क्या ही उत्साहित होंगे और क्या ही चाहेंगे क्रिकेट खेलने के लिए। क्रिकेट प्रेमियों का नज़ारा देखिए कि इस तरह का माहौल में भी ये लोग आए हुए हैं। हम इनसे जुड़ेंगे और हम जानते हैं कि क्या इनका कहना है व्यवस्था पे। साफ तौर पे देखिए किस तरह से खड़े होकर देख रहे हैं, मैच प्रेमी है ये लोग। हम जुड़ते हैं, व्यवस्था कैसा लग रहा है यहाँ का? नहीं ठीक है व्यवस्था कुछ। बिहार में तो ऐसे सरकार बहुत सारा गेम ऑर्गेनाइज कराते हैं, अलग अलग स्टेडियम में कराते हैं, और इस स्टेडियम का क्या बात करेंगे? कुछ भी, अभी मैच खड़ा होकर के देख रहे हैं, कुछ व्यवस्था यहाँ पे है नहीं। धीरे धीरे अब देखिए सरकार के द्वारा कुछ किया जाए। क्या लग रहा है, तबेले में आ गए क्या? यस यस यस, तबेले तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कुछ भी स्टेडियम है जहाँ पे बैठने की जगह है, यहाँ जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके इस क्वेश्चन का तबेला नहीं है हमारा बिहार। बिहार सर देखिए व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आपने व्यवस्था आपने इसके सर 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 आप लोग बड़ा आसान सा है किसी पे कुछ भी बम दाग देना, बम दाग देना मतलब वर्ड्स का वर्ड। तबेला नहीं है, अगर हम फील करते हैं तो उसके लिए उपाय क्या है? हाँ तो हमें पहले ग्राउंड से माने हमें इंटरनेशनल यहाँ पैदा करना होगा। ऑटो कोई भी अगर कहीं पे अच्छा हुआ है, हमारा बगल में जो अब झारखंड हो गया रांची, वहाँ तो वहाँ हम प्रोडक्टिव हुए। और एक हमारा बीसीसीआई जो था यहाँ पे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ था कुछ दिनों के लिए, कुछ इंटरनल इनपुट नहीं थी, इसके कारण ये आज ये स्टेडियम पड़ा हुआ। ठीक है, इसमें हमें गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को, कॉरपोरेट को, हम पीपुल को, सब कोई को जुटना होगा। नहीं भैया नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम बिहार हम इसको बनाएंगे। व्यवस्था की अगर बात किया जाए, ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट पे देखा जाए तो क्या लगता है व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए थी, क्योंकि 18 साल बाद मौका ऐसा मिला था और इस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है, बाहर से खेलने के लिए आए हैं और बिहार को क्या रिप्रेजेंट करेंगे अगर स्टेडियम का हाल इस तरह से दिखेगा तो? देखिए वही बात बोलो, एक मौका मिला हमें और एक अगर मौका मिला 18 साल या 25 साल जितना भी एक लॉन्ग टाइम हम बोल रहे हैं, तो हम इसको कन्वर्ट करें मौके को। ठीक है कोई बात नहीं, जैसे हम गरीबी में भी जो विद्यार्थी माने डिस्ट्रिक्ट लेवल या तहसील में भी पढ़ के यूपीएससी कंप्लीट करता है और एक कैपिटल में भी पढ़ के, तो हम इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं हम साफ तौर पर इनसे जुड़ेंगे और हम जानेंगे क्या कुछ इनका राय है, क्योंकि यहाँ पे मैच देखने के लिए बहुत दूर से आए हुए हैं और इस तरह का अगर मंजर सामने आएगा तो देखिए क्या कहेंगे। सर कैसा व्यवस्था लग रहा है यहाँ पर? बहुत बेकार,
मैच 18 साल बाद हो रहा है और इस तरह का, क्या कहेंगे सर? अरे कम से कम मैच तो हो रहा है ना, व्यवस्था जो भी हो, बैठने का जगह नहीं है। अरे खड़ा होने का जगह नहीं है, बैठने का बात करती है, लेकिन कुछ तो हुआ ना, ना से हाँ तो हुआ, सुधार होना चाहिए। तो सुधार क्यों नहीं होना चाहिए इस तरह से? अगली बार बैठने का, कम से कम खड़ा होने का जगह होना चाहिए। जैसा इंटरनेशनल स्टेडियम है उस तरह होना चाहिए ना बिहार में। जब मेट्रो स्टेशन यहाँ बन रहा है तो सारा चीज उस तरह होना चाहिए ना। देखिए किस तरह से यहाँ पे बोरसी जलाया जा रहा था स्टेडियम में ही, और यहाँ के लोग हम इनसे साफ तौर पर जुड़ते हैं, किस तरह का व्यवस्था लग रहा है यहाँ पे? बढ़िया है, आधुनिक व्यवस्था की कमी है, लेकिन सरकार को इसमें हो रहा है। हाँ बस वही बड़ी बात, बहुत बहुत बड़ी बात है, कोई आप देख सकते हैं, बताने का क्या है इसमें, नई सुविधाओं की कमी है। देखिए साफ तौर पे यहाँ पे हम एक दो लोगों से और जुड़ते हैं और हम जानते हैं, क्या कहेंगे सर कि यहाँ का व्यवस्था कैसा है? आप लोग तो देख ही रहे होंगे, कुछ सुधार होनी चाहिए, बहुत सुधार होनी चाहिए। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बाहर के जो लोग आए हैं यहाँ पर? देख के तो उन लोगों को दिख रहा होगा कि बिहार से टैलेंट बहुत छुपा हुआ है। और व्यवस्था? व्यवस्था तो बहुत डाउन स्थिति है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप देख रहे हैं, आप नीचे दिखाइए जी, बिल्कुल आप एक बार मंजर देख लीजिए, नजारा देख लीजिए, फिर से आपको हम दिखा देते हैं कि जो क्रिकेट प्रेमी है यहाँ पर तो आए हुए हैं, लेकिन जो नजारा है पीछे आपको दिखाते हैं, जहाँ पे ये लोग खड़े हैं, नजारा है किसे घास फूस रहे, लोगों को खड़े होने तक का जगह नहीं है, लेकिन जो क्रिकेट प्रेम है, खासकर जो बिहार के में, जो बिहार में क्रिकेट के प्रेमी लोग रहते हैं, वो तो मैच देखने आएंगे ही, व्यवस्था कैसा भी हो। 18 साल बाद भी मैच होने के बाद इस तरह का मंजर सामने आ रहा है, तो क्या असर पड़ेगा और बिहार के बारे में लोग क्या सोचेंगे, ये सोचने वाली विषय रहेगी। बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्वेश।